Hindutva versus Hinduism debate has intensified even further. Well, after Congress MP Rahul Gandhi stoked controversy for his remarks on Hindutva, party leader Manishankar Iyer has also jumped on the bandwagon, attacking the BJP. During a press conference, Iyer waded into the Hindutva controversy, saying that the BJP considers only 80% of the Hindus in India as Bharatiya. Earlier on the 12th of November, Rahul Gandhi had said that the divisive and hateful ideology of the BJP and the RSS have overshadowed Congress's loving and nationalistic ideology. Congress veteran Rashid Alvi had also sparked up a massive controversy, comparing those chanting Jai Shri Ram to demons. Last week, former Union Minister Salman Khurshid had stirred a political storm after he compared Hindutva with ISIS and Boko Haram in his recent book. हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं। और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं, वही हैं असली भारतीय। और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं, और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। कांग्रेस के नेताओं के खून में और डीएनए में गद्दारी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है, आतंकवादियों का साथ दिया है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तानियों से कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार बदल दो। हिंदुत्व या रिलीजन को लेकर कोई पार्टी चलती नहीं है, या कोई भी, चाहे वो कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी ममालिक में रहे, कोई रिलीजन लेकर देश नहीं चला सकता है। मणिशंकर जैसे लोग तो बोलते रहते हैं, उनका क्या कहना, उनको तो कुछ न कुछ तो मीडिया में एक्टिविटी चाहिए, और उससे ज्यादा हम उनको महत्व नहीं दे सकते हैं। द भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी टुडे दैट एवरी इंडियन बिलीव्स इन। वी आर द पार्टी दैट हैज बीन वोटेड इन पावर बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, एंड वी डोंट नीड चीप सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कांग्रेस, Rahul Gandhi or their leaders trying to tell which party is working to take the nation forward, because every citizen knows that under the leadership of Narendra Modi ji, India is marching ahead, yet Congress is trailing and soon they would be decimated. Listening to what Congress leaders have so far spoken about when it comes to Hindutva. चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं, और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clerk? In which book is this written? I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this. Ram Rajya kaisa hoga? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है।